सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुआंग स्पिरिचुअल गार्डन में आ गया था, जहां उसने सभी पौधों को उनके मौलिक गुणों के आधार पर प्लांट कर दिया था। नियाना ने जुआंग के लिए चाय बनाई थी, पर तभी वह टेन्यून आ गई थी, जो काफी परेशान थी क्योंकि गुइसी सेक्ट और सोल प्यूरिफाइंग सेक्ट गुइयुन सेक्ट को हड़पना चाहते थे, जिससे वो परेशान थी। जुआंग ने लुओ जियान और लियो डोंगमई को उन्हें सबक सिखाने भेजा था, इसीलिए वो दोनों गुइसी सेक्ट के लीडर वेन शिसन और सोल प्यूरिफाइंग सेक्ट के लीडर हुन बुगुई को पकड़कर वहां ले आए थे। फिर अब हमें गुइयुन सेक्ट के स्पिरिचुअल गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहां जुआंग ने अपनी पावर से कई सारे डीमन प्लांट को ग्रो किया था, जिसमें से एक वाटरमेलन डीमन भी होता है। जुआंग वहां कुछ और प्लांट को भी लगा देता है, जिससे नियाना परेशान होती है और सोचती है कि एंसेस्टर आखिरकार यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स को पाल रहे हैं। जुआंग अब एक फ्लावर को पास लेकर उसमें फायर एंड आइस की एनर्जी को फ्यूज करने लगता है। ये देखकर नियाना उन्हें कहती है कि एंसेस्टर आइस एंड फायर एक साथ कैसे मिक्स हो सकते हैं। जुआंग उसे बताता है कि इस दुनिया में मौजूद सभी चीजें एक दूसरे के साथ चलती है। नियाना को इससे एक आइडिया आता है और जुआंग से कहती है कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा, पर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करके एक नई चाय बना सकती हूँ, और वहाँ से चाय बनाने के लिए निकल जाती है। जुआंग सोचता है कि रेन रियल्म के प्लांट्स और फ्लावर्स में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मौजूद है, वाकई ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। फिर अब हमें 3 दिन बाद सेक्ट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेक्ट ग्रैंड कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था, जिसमे गुइसी सेक्ट, सोल प्यूरिफाइनिंग सेक्ट और गुइयुन सेक्ट आपस में फाइट करने वाले थे। गुइयुन सेक्ट का एक डिसेबल टेन्यून से कहता है कि हमारे ओल्ड सेक्ट मास्टर का निधन हो चुका है, इसलिए अब हमारे पास इस कंपटीशन में लड़ने की काबिलियत नहीं है। टेन्यून उन्हें कहती है कि यह कंपटीशन सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के बारे में नहीं है, बस हमारे सेट को सुरक्षित बनाए रखने के बारे में है। अब बटियन सेक्ट का मास्टर भी वहां जाता है, जिसका नाम गुकेंग था, जो आज कंपटीशन का रेफरी बनने वाला था। वो कहता है कि अब एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा। गुइसी सेट का लीडर कहता है कि हमारे सेक्ट मास्टर यहाँ अभी तक नहीं आए, तो गुकेंग उसे कहता है कि क्या तुम ही गुइसी सेट के मास्टर नहीं हो। तभी वहाँ लुओ जियान और लियो में आ जाते हैं, जो अब गुइसी सेक्ट और सोल प्यूरिफाइंग सेक्ट के नए लीडर बन चुके थे। उन्हें देखकर टेन्यून डर जाती है, क्योंकि वो उनकी पावर का भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। लियो डोंग में कहता है कि अब हर कोई यहाँ है, इसलिए अब जल्दी से इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। पर इस साल सेट कंपटीशन के रूल को बदल दिया गया है। तीनों सेट के लीडर अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करेंगे, और जो जिंदा बच गया वो नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर गुइयुन सेट के स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि गुकेंग ने इस कंपटीशन को जीवन और मृत्यु का खेल बना दिया है, और वो अपने सेक्ट मास्टर टेन्यून को कहते हैं कि हम इन दोनों सेट के मास्टर की कल्टीवेशन लेवल को भी देख नहीं सकते, इसलिए हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। टेन्यून को भी घबराहट हो रही थी, पर वो खुद को शांत करती है और अपने डिसिबल से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बस यहाँ से चले जाना, मैं सेट के सभी मामलों की जिम्मेदारी नियानर को सौंप दूंगी। तो एक स्टूडेंट कहता है कि कंपटीशन एक ट्रैप है, फिर भी आप मरने के लिए वहां क्यों जा रही हो। टेन्यून कहती है कि मेरे लिए अकेले मरना ही बेहतर है, अगर मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी तो हमारे पूरे सेक्ट का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि हायर सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर कंपटीशन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो हमारे सेट को नष्ट कर दिया जाएगा। ये कहकर वो ग्राउंड में आ जाती है और अपनी सोट को बाहर निकाल लेती है। लुओ जियान और लियो डोंगमई उसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो जुआंग के ऑर्डर पर गुइयुन सेट को बचाने आए थे। काफी वक्त से टेन्यून भी उन पर कोई अटैक नहीं कर रही थी, इसीलिए गुकेंग गुस्से में कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से फाइट स्टार्ट करो। टेन्यून तेजी से लुओ जियान और लियो पर अटैक करने जाती है, पर उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर मौजूद था, जिसे टेन्यून अपनी सोर से तोड़ नहीं पाती। लुओ जियान कहता है कि गुइसी सेक्ट और सोल प्यूरिफाइंग सेक्ट गुइयुन सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं, यानी अब से तीनों सेक्ट एक हो जाएंगे और गुइयुन सेक्ट ही एकमात्र ऐसा सेक्ट होगा जिसकी बाकी के दोनों सेक्ट रेस्पेक्ट करेंगे। ये सुनकर टेन्यून चौंक जाती है। गुइसी सेक्ट और सोल प्यूरिफाइंग सेक्ट के लोग उठकर कहते हैं कि अब से हम गुइयुन सेक्ट के साथ हैं और गुइयुन सेक्ट को ही हम अपना लीडर मानते हैं। टेन्यून को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि अगर तीनों सेक्ट एक हो गए तो अब हमें लड़ना नहीं होगा, जिससे मैं भी अब जिंदा रह पाऊंगी और हमारा गुइयुन सेक्ट का थर्ड लेवल में एंटर करना पहले से ही निश्चित हो जाएगा। गुकेंग गुस्से में कहता है कि तुम अपनी मर्जी से एक नहीं हो
सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी एक दूसरे को मार डालो और फर्स्ट पोजीशन को हासिल करो। अगर तुमने मेरे ऑर्डर की अवहेलना करने का साहस किया तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें बटियन सेक्ट के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? टेन्यू डर जाती है और वो जू केंग को समझाने की कोशिश करती है, पर गु केंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने की योग्यता नहीं है। पर तभी लियू डोंग मई उसे अपनी पावर से खत्म कर देता है। यह देखकर टेन्यून काफी डर जाती है और कहती है कि आपने हायर सेक्ट के एनोई को मार डाला। लो जियान कहता है कि जो भी सेक्ट मास्टर की रेस्पेक्ट नहीं करता उसे जीने का कोई हक नहीं है और वो हमारे हाथों मारा जाएगा। टेन्यून इससे और ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि वो टॉप रैंक्ड के सेक्ट का एनोई था। लो जियान कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यह सब छोटी सी बात है और अभी हम यहाँ नए आए हैं, इसीलिए तुम्हें हमें रास्ता दिखाना चाहिए। हम पूरे गुयों सेक्ट में घूमना चाहते हैं। तो टेन्यून उन्हें अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें गुयों सेक्ट के आउटर इलाके में ले जाती है और उन्हें एक रास्ते को दिखाकर बताती है कि यह रास्ता हमारे ट्रेजर पवेलियन की ओर जाता है और यह दूसरा रास्ता स्पिरिचुअल गार्डन का है। लो जियान कहता है कि यह गार्डन हमें काफी अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम वहीं रुकेंगे। टेन्यून इससे थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि स्पिरिचुअल गार्डन काफी सिंपल है, इसीलिए मैं आपको महल में लेकर चलती हूँ। लो जियान उसे कहता है कि अब हम खुद ही आगे चले जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। टेन्यून उसकी बात मान लेता है पर वो परेशान थी। वो सोचती है कि ये मामूली से गार्डन में क्यों गए होंगे, क्या वहाँ कोई सीक्रेट हो सकता है। और वो अपने पास से एक मिरर निकालती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल गार्डन का सीन देखने लगती है, जहाँ जुआंग अपनी पावर से प्लांट को ग्रो कर रहा था। टेन्यून जुआंग को देखकर हैरान थी कि आखिर ये कौन है। लो जियान और लियू डोंग में जुआंग को रेस्पेक्ट देते हैं और बताते हैं कि हमने आपके काम को पूरा कर दिया है। एसेस्टर सुनकर टेन्यून के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लो जियान और लियू डोंग में की पावर पहले से ही और बेरिंग थी, इसीलिए वो सोचती है कि अगर ये इतने ज्यादा पावरफुल है तो इनके एसेस्टर कितने पावरफुल होंगे। तभी वहाँ नियानर भी जुआंग के लिए चाय बनाकर ले आती है और उसे बताती है कि मैंने आपके लिए खास आइस माउंटेन फायर लोटस टी बनाई है, इसीलिए इसे आजमा कर देखे। ये सब देखकर टेन्यून थोड़ी और परेशान होती है क्योंकि नियानर भी जुआंग को एंसेस्टर कह रही थी। जुआंग को पता चल गया था कि टेन्यून उन्हें देख रही थी, इसीलिए वो अब अपनी आंखों को ऊपर उठाता है जिससे वो मिरर ब्लास्ट हो जाता है। इससे टेन्यून काफी डर जाती है और सोचती है कि एंसेस्टर ने मेरे पुश्तैनी हथियार को सिर्फ एक नजर में ही नष्ट कर दिया। ये आदमी वास्तव में कौन होगा? क्या है वही आपदा है जिसके बारे में सेक्ट मास्टर ने मरने से पहले बताया था? इस एंसेस्टर की पावर नंबर वन सेक्ट से भी काफी ज्यादा है। शायद ही वो लोग हैं जो भाग्य को चुनौती देते हैं। मेरा सेक्ट ऐसे लोगों का कैसे सामना कर सकता है? ये सोच कर वो बेहोश हो जाती है। उसने जुआंग को गलत समझा दिया था जबकि जुआंग यहाँ गुयों सेक्ट की मदद कर रहा था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। नियाना टेन्यून को इस सीजर गार्डन में ले आई थी। टेन्यून को जब होश आता है तो काफी घबराई हुई थी। नियानर उसे पूछती है कि आप इस फ्यूचर गार्डन के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी, पर तभी उसकी नजर लो जियान, लियू डोंग मई और एंसेस्टर जुआंग पर जाती है जो उसे इविल नजर आ रहे थे, जिससे डर के मारे वो वापस से बेहोश हो जाती है। जुआंग समझ जाता है कि उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, इसीलिए उसे एक पिल देकर उसकी घबराहट को दूर कर देता है। टेन्यून जुआंग के सामने गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि मेरा गुयों सेक्ट एक छोटा सा सेक्ट है, मैं नहीं जानती कि मोटर लोड आप यहाँ क्या लेने आए हो, मैं बहुत लापरवाह थी, मुझे नहीं लगता कि मेरा पूरा सेक्ट भी आपके क्रोध को सहन कर पाएगा। नियानर उसे उड़ने को कहती है और जुआंग को बताती है कि हमारे सेक्ट मास्टर का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था, जिससे सिस्टर परेशान है, इसीलिए मैं इन्हें कुछ देर आराम करने के लिए लेकर जाऊंगी, और उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। टेन्यून सोचती है कि नियानर बहुत छोटी है, इसीलिए ये नहीं जानती कि ये लोग यहाँ हमारे सेट को तबाह करने आए हैं। फिर अब हमें फर्स्ट लेवल के लैंड सीवर मून सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउटियन सेट का हेड गुस्से में कहता है कि गुयों सेक्ट ने हमारे एनोई को खत्म करने का साहस किया, मैं उन सभी को मार डालूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिंग शिव उसे रोक लेती है। वो वूटियन सेट की सेक्ट मास्टर थी। वो उसे कहती है कि उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। तभी वहाँ मौजूद हुआ नोंगिंग जो तेल जियाओ सेट की मास्टर थी, वो कहती है कि मैं उन सभी को काफी क्रूरता से मार डालूंगी, मैं अपने सीक्रेट वेपन फायर स्नेक वीप का इस्तेमाल करूंगी जिससे उनके मरने की 100% गारंटी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।